हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर तन्मय गोरखनाथ धोन। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम SPPO का जो बी सिविल है उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें से 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 2, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड SD3। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है एंड इसके साथ इलेक्टिव 1 एंड इलेक्टिव 2 है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये इलेक्टिव कौन सा लेना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैं इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ। इलेक्टिव 1 में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ ब्रिजेस, सिस्टम अप्रोच, ACT, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग एंड एडवांस जियोलॉजी है। इलेक्टिव 2 में मैट्रिक्स मेथड, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, TQ एंड MIS, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड एडवांस जियो टेक्निकल। अभी आपको कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा इलेक्टिव लेना है, तो आई विल रिकमेंड यू, अगर आपका प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले आपको सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू आप सिस्टम अप्रोच को रिकमेंड करो। आपको कुछ एडवांस नॉलेज लेना है तो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर ब्रिज स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट में आपको यूजफुल होगा। अगर आपको बेसिक थ्योरी में इंटरेस्ट है तो ACT एंड ATP आर द गुड चॉइस, एंड दोनों में भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ACT को प्रेफरेंस दो, क्योंकि ये साइड पे बहुत ही यूजफुल है। कौन से भी सिविल इंजीनियर को 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, RCC, क्योंकि 90% हमारे स्ट्रक्चर RCC के एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो इसके लिए ACT सब्जेक्ट आपको मैं प्रेफर करूँगा आपको अगर थ्योरी आता है। अगर आपको प्रॉब्लम सब्जेक्ट अच्छे तो गो फॉर सिस्टम अप्रोच, ये मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है। वेरेज इलेक्टिव 2 में मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये अगेन सेम में मैथमेटिकल है, ऐसे का एडवांस है, बट आई विल सजेस्ट यू ये भी स्कोरिंग है, मतलब बहुत सारे बच्चों को 100 out of 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं इसमें, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थ्योरी आता है तो आई विल सजेस्ट यू आप IWRP और नहीं तो TQM को भी रेकमेंड कर सकते हो। अगर आपको एडवांस नॉलेज लेना है तो आई विल सजेस्ट यू अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, क्योंकि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग नाउअडेज अभी बूम में चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं, तो अर्थक्वेक इज़ ऑल्सो गुड चॉइस। तो ये मेरा खुद का कंसेप्ट है, आप इसके ऊपर सोच के खुद डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आपके फैकल्टी से डिस्कस करो एंड प्रॉपर इलेक्टिव सिलेक्ट करो। मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें स्कोर करना है एंड नॉलेज भी लेना है, तो अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। ठीक है, थैंक यू।